हाय दोस्तों, मेरा नाम है प्रागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाइप के एक पोर्टल फ्रेम के बारे में जिसमें आपको डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटरमिनेंसी 2 आने वाली है, ठीक है, जिसमें ये आपको 2 बार कैस्टाग्लिनोस थ्योरम यूज करना पड़ने वाला है और ये काफी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लगता है, लेकिन है नहीं, मैं इसको आपके लिए आसान बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस न्यूमेरिकल में अगर आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक आपका हिंज सपोर्ट है और ये आपका फिक्स सपोर्ट है। जब आपका हिंज सपोर्ट आता है तो वो 2 रिएक्शंस लेके आता है, एक आती है वर्टिकल, एक आती है हॉरिजॉन्टल, जैसे कि ये वाली एक होगी और एक ये वाली होगी, ठीक है। एक हो गया VA, एक हो गया HA, ठीक है। जब फिक्स सपोर्ट की बात आती है तो दोस्तों ये एक तो लेके आएगा वर्टिकल VD सपोर्ट, इसलिए मैं VD बोलूंगा, हॉरिजॉन्टल वो होगा HD, लेकिन एक लेके आएगा मोमेंट MD, ठीक है। मतलब 3 रिएक्शंस होगी। तो हमारा जो डिग्री ऑफ स्टैटिकल इनडिटर्मिनेसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R-C। तो भाई R कितनी होगी, इसकी 3 और इसकी 2, 3 + 2 = 5, 5 में से E की वैल्यू होती है 3, तो ये हो गया 2। मतलब आपका 2 बार कैस्टाग्लिनोस थ्योरम इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी ऐसे काफी सारे न्यूमेरिकल पहले सॉल्व कर दिए हैं जिसमें मैंने आपको इतने आसान तरीके बताए हैं इसको सॉल्व करने के, तो आप उनको आसानी से देख सकते हैं। तो हमारे इस पूरे पोर्टल फ्रेम में आप देखेंगे एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक 50 kN का लोड भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कॉलम के ऊपर कोई भी आपको ऐसा लोड नहीं है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 3 सेक्शन ही डालने। मान के चलो, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ पे ऐसा कोई लोड होता तो यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पे गिरता, एक सेक्शन यहाँ पे गिरता, एक सेक्शन यहाँ पे गिरता और एक सेक्शन यहाँ पे गिरता, ठीक है। मतलब कोई अगर लोड है तो वो पॉइंट लोड अगर है, ठीक है, तो वो आपके सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज ये है कि यहाँ पे 50 kN का लोड आपका जो है वो आपको बाहर की तरफ खींच रहा है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। सो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई आपको यहाँ पे डिग्री ऑफ स्टैटिकल इंडिटर्मिनेंसी लगानी है, जो कि आपकी आ गई है 2। कैसे निकालते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अभी हम यहां पे इस डायरेक्शन से इधर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब HA को हमने H माना, मतलब ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो है उसको हमने H माना है और VA को हमने V माना है, ठीक है। तो इन दोनों को ही ध्यान में रख के हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे, मतलब पहला सेक्शन यहां पे आएगा, दूसरा सेक्शन यहां पे आएगा, तीसरा सेक्शन यहां पे आएगा। तो पहले सेक्शन का डिस्टेंस x ये इतना रहेगा, दूसरा यहां से इतना रहेगा, तीसरा यहां से इतना रहेगा। अंडरस्टैंड, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर ये चीजें आप गड़बड़ करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल भाई सॉल्व होने से रह गए फिर, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहां पे हमने इसको माना कितना, वी, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे अभी हमें क्या करना है, मूवमेंट इक्वेशन निकालना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मूवमेंट इक्वेशन के लिए आपको ये टेबल बनाना होता है जिसमें आपको पार्शियल डेरिवेशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एच एंड विथ रिस्पेक्ट टू वी। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी कॉलम के ऊपर, मतलब इस कॉलम के ऊपर हम पहले फोकस करेंगे। तो ए बी पोर्शन है, ए ओरिजिन है, इनर्शिया मेरा आर ही है, लिमिट 0 से 6 क्यों रहेगी, क्योंकि ए बी कॉलम का जो टोटल लेंथ है वो 6 मीटर का है, इसलिए हो जाएगा 0 से 6। अब देखो, मुझे सिर्फ यहां पे इस सेक्शन के ऊपर मूवमेंट लेना है, तो क्या होगा, एच ए मतलब क्या, एच है, तो एच इंटू एक्स बस। अब यहां पे ये देखो, सिंपल सी बात है, ये एच इंटू एक्स कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस पॉइंट के अगेंस्ट, मतलब क्या हो गया, माइनस एच इंटू एक्स, क्लियर, समझ में आ गया, इसलिए मैंने यहां पे लिखा माइनस एच इंटू एक्स, ठीक है। अब यहां पे जब मुझे पार्शियल डेरिवेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एच, तो x के साथ क्या लगा h, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस एक्स ही आएगा, लेकिन यहां पे कोई v की वैल्यू है क्या, इक्वेशन में नहीं है, तो वो बनेगा 0, ठीक है। नाउ
बात करते हैं बी से लेके सी तक। तो बी से लेके सी तक ये सेक्शन है और मेरा ये वाला एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो यहां पे पहले आएगा v इंटू एक्स, मतलब पहले v इंटू एक्स आएगा, पॉजिटिव क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर 6 इंटू एच, लेकिन ये माइनस आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। उसके बाद यहां पे आप देखेंगे 40 किलोन्यूटन का यूडीएल है। तो देखो भाई, यूडीएल को पहले पॉइंट रेड में कन्वर्ट करो, मतलब w डिवाइडेड बाय 2। तो यूडीएल कितना है 40, उसको 2 से डिवाइड कर दो, बन गया कितना है 20, और जो x है उसको x स्क्वायर कर दो, तो बन गया 20x स्क्वायर, ठीक है, अंडरस्टूड। और वो भी कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट रेड ऐसा बना और ये ऐसा घूमेगा भाई, ठीक है। तो अब यहां पे इसको मैं पार्शियल डेरिवेट करूंगा, तो एच के साथ कौन कौन है, माइनस सिक्स है बस, तो यहां पे ये माइनस सिक्स आएगा, बाकी सब जीरो। और वी के साथ अगर डिफरेंशिएट करूं तो वी के साथ एक्स है बस, तो यहां पे सिर्फ एक्स आएगा, क्लियर। नाउ अभी हम सीडी के बारे में बात करते हैं। सीडी में क्या है, सीडी है ओरिजिन सी है, इनर्शिया आई है, लिमिट जीरो से छह है। अब यहां पे देखो क्या होगा, देखो वी इंटू फोर, मतलब ये v इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मतलब BC का टोटल लेंथ, माइनस सिक्स इंटू एच, ये हो जाएगा प्लस h इंटू एक्स, ठीक है ध्यान में रख लो, प्लस h इंटू एक्स भी होगा यहां पे, ओके, माइनस 320, माइनस 320 कैसे, 40 इंटू मैंने ये घुमाया यहां पे, ठीक है, प्लस 50 इंटू एक्स, ठीक है, राइट, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मैंने यहां पे वर्किंग किया। नाउ तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो एच के साथ कौन है, छह लगा हुआ है, तो हो जाएगा माइनस सिक्स, और एच के साथ एक्स भी है इसलिए बनेगा सिर्फ एक्स, और पार्शियल डेरिवेशन वी का रहेगा सिर्फ कितना, फोर, क्योंकि वी के साथ सिर्फ फोर है, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पे कैस्टेग्लिनोस थ्योरम अप्लाई करना है, ठीक है। देखो मैंने ये वाले थ्योरम, ये वाले न्यूमेरिकल ऑलरेडी एडवांस में सॉल्व कर दिए हैं, काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर आपको ये ऐसे सॉल्व कैसे करते हैं समझना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, नोट्स दिए हुए हैं, आप इनको आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन आपके लिए हमेशा इसको मैं सॉल्व करते रहूंगा। सो लेट गेट स्टार्टिंग। तो कैस्टेग्लिनोस थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू एच पहले सॉल्व करना है, फिर कैस्टेग्लिनोस थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू वी सॉल्व करना है। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन अपॉन ई आई, अभी ए बी के लिए कितना है, आई आई ही है, इंटीग्रेशन लिमिट कितनी है ए बी की, जीरो, हायर कितनी है छह, एम एक्स इक्वेशन कितना है माइनस एच एक्स इंटू, अभी आपको सिर्फ एच को लेना है, मतलब पार्शियल डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट एच ही लेना है, वो कितना है माइनस एक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन, अभी दूसरा बी सी है आई, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट कितनी है जीरो से फोर, इक्वेशन कितना बनेगा वी एक्स माइनस सिक्स एच माइनस ट्वेंटी एक्स स्क्वेयर इंटू माइनस सिक्स डी एक्स प्लस वन अपॉन आई, किसके लिए सीडी के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेके छ, कितना बनेगा इक्वेशन, देखो यहां पे फोर वी माइनस सिक्स एच प्लस एच एक्स माइनस थ्री ट्वेंटी प्लस फिफ्टी एक्स इंटू कितना है माइनस सिक्स प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करना है, ये माइनस एक्स इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस सिक्स को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना, और इसमें पहले माइनस सिक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर एच से मल्टीप्लाई करो, और फिर एडिशन करो। तो ये करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन मिलेगा जो मैंने यहाँ पे यहां से लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल सी बात है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा के बताता हूं कैसे करना है, ठीक है। देखो जैसे मान के चलो कि अभी आपके पास एच एक्स है, एच एक्स है, तो एच एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एच एक्स स्क्वायर बाय टू, और एक्स की जगह पे हायर लिमिट रख दोगे। अगर सिर्फ आपका एच है तो उसका हो जाएगा एच एक्स इंटीग्रेशन, अगर एच एक्स है तो हो जाएगा एच एक्स स्क्वायर बाय टू, अगर एच एक्स स्क्वायर है तो बनेगा एच एक्स क्यूब बाय थ्री, फिर एच एक्स टू द पावर फोर है तो बनेगा एच एक्स टू द पावर फाइव बाय फाइव, समझे, मतलब एक पावर बढ़ता है दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां पे आपको उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा जो रहेगा ये, ठीक है, ये इक्वेशन मिलेगा 288h
माइनस 120 वी ए इक्वल्स टू माइनस 6520। अभी यहाँ पे देखो ध्यान में रखने की बात है, आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन मोबाइल में आपके कैलकुलेटर में सॉल्व किया, आपको मोड सेटअप में जाना है, इक्वेशन पे जाना है, दो वेरिएबल वाले इसको लेना है ए एक्स और वाई को, ठीक है, और वहां पे एक्स की वैल्यू रखेगी 288H और वाई की वैल्यू रखेगी 120, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं एक बार मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन जैसे बनाया उसी तरीके से सिर्फ आपको डेल्टा एच के मतलब एच के जगह आपको वी की वैल्यू को लेना है और आपको सिमिलरली एक इक्वेशन ऐसा ही आपको वी के रिस्पेक्ट में बनाना है, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ माइनस एक्स की जगह आएगा पहले जीरो, फिर यहां पे माइनस छह की जगह यहां पे आएगा ये एक्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे माइनस सिक्स प्लस एक्स की जगह क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये दूसरा इक्वेशन बन गया माइनस 120H प्लस 117.33V इक्वल टू 5360। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों इक्वेशन को मतलब इक्वेशन नंबर वन को और इक्वेशन नंबर टू को इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्या करूंगा दोस्तों सॉल्व करूंगा। जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे H और V की वैल्यू मिलेगी, H की वैल्यू मतलब HA की वैल्यू मिलेगी, V की वैल्यू मतलब VA की वैल्यू मिलेगी। तो H की वैल्यू मिलेगी माइनस 6.3, VA की वैल्यू मिलेगी 39.25 किलोन्यूटन। अब मुझे बनाना है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे VA जो है मतलब जहां पे A सपोर्ट है वो था फिक्स हिंज था, तो वहां पे मूवमेंट आएगा जीरो, क्योंकि हिंज और रोलर पे सपोर्ट पे जो मूवमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, फिक्स सपोर्ट पे मूवमेंट निकलते हैं। तो MA हो गया आपका जीरो। अब मुझे MB निकालना है, तो MB के ऊपर क्या हो रहेगा देखो यहाँ पे VA की वैल्यू मैं बताता हूँ, VA की वैल्यू है यहाँ पे माइनस 6.3, HA की वैल्यू है HA की वैल्यू है माइनस 6.3 और VA की वैल्यू है 39.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6.3 इंटू 6, बी की वैल्यू मूवमेंट भी मिल गया 37.8 किलोमीटर इंटू मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है, फिर MC की वैल्यू आपको मिलेगी यहां पे आपको सॉरी ये माइनस 6 नहीं, दिस इज जस्ट कंसिडर प्लस, ओके ठीक है। फिर ये आपको मिलेगा, ये भी प्लस रहेगा, मैंने कुछ माइनस गलती से लिखा है, ठीक है। फिर MC की आपको वैल्यू कितना लिखे मैं आपको बताता हूं, 39.25 इंटू 4 प्लस 6.3 इंटू 6, मतलब देखो 39 VA इंटू पहले आएगा आपका 4, फिर आएगा HA इंटू 6 माइनस 40 इंटू, ठीक है 40 जो आपका 160 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि 4 चौक 16 मतलब जो UDL है उसको 4 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 आप करेंगे क्योंकि आधे में अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा माइनस 124.8। उसके बाद MD निकालना है, तो MD के लिए देखो बहुत सिंपल सी बात है, VA इंटू 4, ठीक है, 160 इंटू 2, ठीक है, प्लस 50 इंटू 6, तो बन जाएगा 137। तो यहां पे आप देख सकते हैं इस टाइप से आपको इन सारी चीजों को, ये MB की वैल्यू होगी, ये MC की वैल्यू होगी और ये MD की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किए हैं, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।